आपको यह जानकर खुशी होगी कि अगर हम पिछले वर्ष हमने पहले जो एनुअल सिस्टम पे एग्जाम होते थे और उसके बाद एक वर्ष तो हमने जो रिजल्ट निकाला वो क्राइटेरिया लगा के निकाला जिसमें कि एग्जामिनेशन हम पूरे कंडक्ट नहीं कर पाए थे और एक क्राइटेरिया लगाकर हमने वो रिजल्ट घोषित किया। इस बार टर्म सिस्टम के आधार एक्टिविटी बेस्ड और एकेडमिक परफॉर्मेंस के आधार पर जो रिजल्ट बनाया है वो बहुत बेहतर है। 93.9055% इस वक्त रिजल्ट रहा है। अमूमन रिजल्ट 70 और 75% के बीच में रहता था कि जब हम 93.905 यानी 91 निकालते इतना परसेंट रिजल्ट रहा है जो कि बहुत ही बेहतर है। ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया के आधार पर जो रिजल्ट पिछले साल हमने प्लस टू का निकाला था तो वह रिजल्ट भी 92.77% रहा था, लेकिन बच्चों से काम करवाकर बच्चों की परीक्षाएं लेकर उनको प्रेरित करने के बाद जो अभी रिजल्ट आया बहुत ही बेहतर आया है और 93.905% ऐसा अभी रिजल्ट रहा है। कुल विद्यार्थी 88,013 विद्यार्थी इसमें बैठे थे एग्जाम में, जिसमें कि 82,342 जो स्टूडेंट्स हैं वो पास हुए हैं, 3,379 स्टूडेंट हैं वो कंपार्टमेंट में हैं और फेल हुए स्टूडेंट 1,889। तो फेल होने वाले स्टूडेंट की संख्या बहुत कम है और इस रिजल्ट में ये भी है कि आरएलडी पहले ज्यादा विद्यार्थी होते थे, आरएलडी की संख्या भी कम है तो रिजल्ट बिल्कुल क्लियर है। और इसमें जो होलिस्टिक और लर्निंग एक्टिविटी बेस पर ये सारा रिजल्ट, मैं आपको एक आंकड़ा देना चाहता हूं। 2017-18 में जो विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए थे उनका परसेंटेज था 70.18, 2018-19 में 55.26, 2019-20 में 76.07, 2020-21 में जो कि क्राइटेरिया के आधार पर निकाला गया था 92.77 और 2021-22 जो टर्म सिस्टम के आधार पर निकाला गया है इसमें 93.91 रहा है। तो बहुत बेहतर। जहां तक मेरिटोरियस स्टूडेंट की बात है तो मेरिट में भी इस वक्त सरकारी स्कूलों की बच्चे जो है वो मेरिट में ज्यादा है। आर्ट्स में अभी प्रथम 10 स्थान पर रहने वाले जो बच्चे हैं उनमें सारी की सारी छात्राएं हैं, 20 छात्राएं हैं इसमें पहले स्थान पर सारी छात्राएं हैं। इसमें सरकारी विद्यालय के 19 छात्राएं हैं और निजी विद्यालय की एक छात्रा है। साइंस स्ट्रीम में पहले 10 स्थान में जो संख्या है वो 53 है, तो 53 में 14 छात्र हैं और 39 छात्राएं हैं। यहां भी संख्या ज्यादा छात्राओं की है, 14 जो है सरकारी विद्यालय के हैं, 39 निजी विद्यालय के हैं। कॉमर्स स्ट्रीम में जो पहले 10 स्थान हैं उनमें 19 विद्यार्थी रहे हैं जिसमें कि 2 छात्र हैं और 17 छात्राएं हैं। सरकारी विद्यालय के 12 छात्र छात्राएं हैं और निजी विद्यालय के 7 छात्र छात्राएं। तो कुल मिलाकर इस प्रकार का ये परिणाम रहा है और मुझे लगता है कि जो एग्जामिनेशन रिफॉर्म किया है नई शिक्षा नीति के तहत वो स्टूडेंट फ्रेंडली हैं और वो एक बेहतर समाज और शिक्षा को बेहतर दिशा देने में ये सारे प्रयास हुए हैं। मैं आप सबको बधाई देना चाहता हूं और विशेषकर जो बच्चे जो ऐसे मेरिटोरियस बच्चे और बाकी सभी बच्चे जो पास हो गए और कुछ बच्चे जो फेल हुए हैं उनको भी मैं ये कहना चाहता हूं कि वो अपने प्रयास बढ़ाएं। आर्ट्स में पहला स्थान छात्रा जो है ये गवर्नमेंट गर्ल्स मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल घुमार में, कुल अंक 494 हैं, 98.8% ऐसा इसका स्कोर रहा है। दूसरे स्थान पर 2 छात्राएं हैं, एक चंबा से है और गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल चंबा, एंजल इसका नाम है और पहली बच्ची का नाम जो प्रथम स्थान में उसका वाणी गौतम है, एंजल उसका नाम है और इसके 490 मार्क्स हैं। और दूसरे स्थान पर एक और 490 जो सोलन से है बच्ची, वंशिका इसका नाम है, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल साई। और तीसरे स्थान पर जो बच्चे हैं बच्ची है वो है शीतल वर्मा
489 उसके मार्क्स है, शिमला से हैं, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल खलक, और 489 मार्क्स ऐसे तीसरे स्थान पर सोलन से एक और बच्ची है तन्वी वर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल भोजनगर। तो ये तीन स्थान ऐसे रहे, ऐसे 10 स्थान की पूरी लिस्ट आपको दे दी जाए। जहां तक कॉमर्स स्ट्रीम की बात है तो उसमें भी छात्रा जो है ऊना से है, उसका नाम है तनिषा भारद्वाज, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल ठटर, 490 मार्क्स लिए हैं, 98%। दूसरे स्थान पर माल्या भाटिया, कांगड़ा की गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल देहरा, 487 मार्क्स हैं। तीसरे स्थान पर 484 मार्क्स सोलन से है बच्ची सगुन सिंह, ये प्राइवेट स्कूल की बीएल सेंट्रल पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल कुनिहार की बच्ची है। ये तीन स्थान कमर्स में, ये पहले तीन स्थान। साइंस में पहले तीन स्थान अगर देखिए तो हमीरपुर से न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर का ये बच्चा है क्षितिज शर्मा, 493 मार्क्स लिए हैं, 98.6%। और ऐसे ही प्रथम स्थान पर एक बच्ची है सगुन राणा, ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर समलोटी, ये कांगड़ा से, इसके भी 493 मार्क्स हैं। पहले स्थान पर तीसरी बच्ची और है बिलासपुर से, ये है अक्षिता शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी। और दूसरे स्थान पर ऊना से बच्चा है आर्यनपुरी, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुसारा, ये ऊना से 492 मार्क्स है। तीसरे स्थान पर सूर्यांश, 490 हमीरपुर से, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल 11 ग्राम। और तीसरे स्थान पर एक और बच्चा है 490 मार्क्स उसने भी लिए हैं, ये है काव्य, ये बच्ची है काव्य धीमान, और ये गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल झुंडूता से है। और तीसरे स्थान पर और 490 मार्क्स जो हमीरपुर की एक बच्ची है वो सारा शर्मा, ये है एक्मे सीनियर सेकेंडरी पब्लिक स्कूल हमीरपुर से। तीसरे स्थान पर 490 मार्क्स लेकर एक और बच्चा है राघवेंद्र सिंह सखलानी, कुल्लू से, एम्बिशन क्लासी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मोहाल। तो तीनों के तीनों स्ट्रीम में, जहां तक कंसोलिडेटेड है यानी तीनों स्ट्रीम में किसी ने जो टॉप किया है तो वो गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बॉयज गर्ल्स बिलासपुर की वाणी गौतम, जिसके 494 मार्क्स है वो उसने टॉप किया है। और दूसरे पोजीशन पर अगर तीनों स्ट्रीम में देखें 493 मार्क्स लेकर बिलासपुर का ही है, ये है अशिता शर्मा, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरठी। और तीसरे स्थान, ये दूसरे स्थान पर थी, दूसरे स्थान पर एक और बच्ची है सगुन राणा, कांगड़ा से है, 493 मार्क्स हैं, ईशान पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल हर समलोटी है। ऐसे ही दूसरे स्थान पर और 493 कंसोलिडेटेड हमीरपुर से न्यू गुरुकुल पब्लिक स्कूल गोपाल नगर क्षितिज शर्मा है। ऐसे ही तीसरे स्थान पर ऊना से गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दुसारा से है 492, ये आर्यनपुरी बच्चा है जिसने की तीसरा स्थान प्राप्त किया है। तो ये तीन जो कंसोलिडेटेड भी और स्ट्रीम वाइज सारे आपके सामने मैंने रखा है, तो ये रिजल्ट है, इसको विधिवत मैं इसकी घोषणा करता हूँ और ये रिजल्ट को लाइव कर दिया जाए, ऐसा मैं सेक्रेटरी महोदय से आग्रह करना चाहता हूँ। अब ये सारी ये दोनों टर्म केस में, हाँ दोनों टर्म, हाँ वो दोनों टर्म में क्या है कि अब वेटेज इसमें दी जाती थी, जो क्वेश्चन पेपर था इसको हमने बहुत साइंटिफिक बना दिया था, यानी 20% ऑब्जेक्टिव टाइप रहेगा और सब्जेक्टिव टाइप जो है वो 80% रहेगा। तो फर्स्ट टर्म में जिन बच्चों का परफॉर्मेंस सही नहीं रहा या थोड़ा कम रहा, कुछ मार्क्स कम रहे, तो आगे उन्होंने मेहनत की दूसरे टर्म में, तो टीचर्स ने भी मेहनत करवाई और उनके पेरेंट्स ने भी तो सीरियसली लिया, परिणाम ये निकला कि फिर अंततः जो रिजल्ट निकला है तो बहुत बेहतर निकला है और 93.91% इतना रिजल्ट निकला जो बहुत ही बेहतर है। टेंथ का रिजल्ट अभी हम आप ये देखिए कि 5-6 दिन का, एक हफ्ते का हमें मौका दें, उसमें भी किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना रहे, बॉटलनेक ना रहे, उसको हम निकालने वाले हैं।
संभवता है, हाँ 24-25 तक हम टारगेट लेकर चले हैं। काम पूरा जोरों पे है, अब इसके बाद हम तुरंत तो बैठने वाले हैं कि 10 मिनट का रिजल्ट में हमें क्या करना है, इसके बाद वो बैठक होगी। तो हम ये सोचते हैं कि 24-25 या इससे पहले भी अगर हो सकता है तो रात दिन काम करके देखेंगे कैसे, लेकिन 24-25 इट इज द फाइनल डेट एंड वी आर गोइंग टू डिक्लेयर द 24-25 इसी।